कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली तरह तरह की अफवाह की वजह से लोग टीका लेने से डर रहे हैं। सहरसा जिले के बनमा इठहरी प्रखंड में गांव के लोगों ने टीका लगाने से इनकार कर दिया। टीकाकरण एक्सप्रेस की गाड़ी को देखकर ही गांव के लोग इधर उधर खिसक लेते हैं। पूरे दिन हार मनुहार करने के बावजूद रसलपुर पंचायत के डोमासी टोला के वार्ड 8 में 10 लोग भी टीका नहीं ले रहे हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि टीका लेने से उनकी माँ की मौत हो गई। अभिनंदन का कहना है कि उनकी माँ को अस्थमा की शिकायत थी और कोरोना का टीका लेने के 11वें दिन उनकी मौत हो गई। उनका कहना है कि हट्टे कट्टे मिस्त्री की भी टीका लेने से मौत हो गई है। क्या परेशानी है? पहले दमा का बीमारी था। किनको? किनको? ऊपर जा रहा था। किनको? मेरी मदर को। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने टीका लिया। हाँ। टीका लेने के बाद जो है ना, हाँ, तो फिर उसको बुखार आ गया। हाँ। बुखार आने के बाद 10 दिन बुखार रहा, 15 दिन 10 दिन बुखार रहा, 11वां दिन पूरा हो गया। क्या हुआ? पूरा मर गया। आपका कहने का मतलब है कि टीका लिया इसीलिए मर गया? टीका लिया इसीलिए मर गया, क्योंकि टीका दिया जाता चेक करके बंदे को क्या है, कौन सा बीमारी है ना। ब्लड प्रेशर वाले को टीका लिया जाता है ना, तो जिसके पास किडनी खराब उसको टीका नहीं लिया जाता है, जिसका हाफ माइंड है उसको टीका नहीं दिया जाता है। टीका दिया सुस्त आदमी को, तंदुरुस्त आदमी को, जो तंदुरुस्त है उसको टीका दिया जाता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो टीका लिया इसीलिए आपकी माँ डेथ कर गई? हाँ, इसीलिए हुआ। लेकिन ऐसा तो कोई समस्या नहीं आ रही है? ऐसा बहुत चीज हम देखे, हमारे साथ में मिस्त्री काम करने वाला टीका लिया से ताजा खासा बंदा वो भी मर गया। वहीं गांव की एक महिला ने कहा कि कोरोना की सुई लेने से लोगों की मौत हो जाती है। सुई ले लिया चाचे? हाँ, ले लिया, लेकिन सुई हम तो मार जाए छे लोग, कते बीमार पड़ गए, परेशानी भाग गए, 4,000 का इलाज करे लगा लेंगे यार, कौन सुई लगा क्या ना, के मर गए सुई ले क्या वो लोग ना मर ले, कते ना परेशान पड़ गए, इलाज कते से गरीब लोग करे। एको को नाम बतेबे जे लोग मर गए सुई ले से? नाम कते बतावा, भूल चल के नाम जब एको को नाम बतेबे? हमर नाम एको को नाम हम मर गए। वहीं बिंदेश्वरी यादव नाम के बुजुर्ग ने बताया कि वैक्सीन लेने से किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हालांकि बुजुर्ग के समझाने पर लोग उनका मजाक उड़ाते नजर आए। उन्होंने कोरोना के टीके को लेकर फैली अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया है। वैक्सीन लेने से कोई भी दिक्कत नहीं है, सब दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वैक्सीन लिए, कहता है बुखार लगता है तो जोर होता है, कुछ सब कुछ नहीं है। हम लोग सब साथी मिल के लिए, किसी को कुछ नहीं हुआ, समझे न। सबको लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए वैक्सीन, सबको लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। सरकार जो ये पैसा भेजा है, दवाई बना करके भेजा है, इसलिए आदमी को मैंने बुखार लगने के लिए, कि उसकी सुरक्षा के लिए। अच्छा, ये बताइए, जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे उसको क्या कहना चाहेंगे आप? वो सब बेवकूफ आदमी है। वहीं टीकाकरण करने के लिए गांव-गांव घूम रही ANM ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम और महादलित टोले के लोग नपुंसक होने के डर से टीका नहीं ले रहे हैं। मतलब लोग लेना नहीं चाह रहे हैं इसमें, बशर्ते मुस्लिम कौन के जो लोग हैं, जो भी लोग हैं वो वैक्सीन लेने से पूरे इनकार कर रहे हैं। और उसके बाद महादलित टोला जहाँ भी गए हैं वहाँ कोई लोग, सब लोग इनकार कर रहे हैं इसमें। अच्छा, क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं लेना। कुछ वजह तो बताई होगी उन्होंने? हाँ, बोलते हैं नपुंसक हो जाएंगे, ये होगा, वो होगा, बीमार पड़ जाएंगे। अभी हम लोग का फसल काटने का समय है, हम लोग फसल काटने जाएंगे, हम लोग टीके को लेकर फैले तरह तरह की अफवाह को दूर करने के लिए जीविका दीदी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन गांव वाले तरह तरह के झूठे दावे कर टीका लगाने से इनकार कर रहे हैं। कोई कहता है कि टीका लगाने से लोगों की मौत हो जाती है, तो कोई इससे नपुंसक होने का दावा कर रहा है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता और जीविका समूह की महिलाएं भी लोगों को समझाने में लगी हैं। उन्हें भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग अड़ियल रवैया छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं इलाके के डॉक्टर भी इस अंधविश्वास की वजह से परेशान है। यही समझे कि एक वायल खोलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, जबकि हम लोग को 30% आदमी अपने बनवा इटारी में बचा हुआ है। कभी कभी सर ऐसा हुआ कि गाड़ी वहाँ गई हो और ग्रामीण कहे कि आप यहाँ से जाइए, हमें वैक्सीन नहीं लेना है? ये तो नहीं बोलता, ऐसे भगाता नहीं है, लेकिन कहता हम नहीं लेंगे। अच्छा, आपको जो करना करिए, हम भगाता तो नहीं है लेकिन नहीं लेना चाहता, कहता है हमको बुखार लग जाएगा, कौन आप बुखार को झेले। कोई कहता है ना कि हम
लोग सुनते हैं कि लोग मर जाता है, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को हम समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, तो भी जो है कुछ आदमी समझ पाता है, कुछ आदमी नहीं समझ पाता है। जो नहीं समझ पाता वो नहीं लगाता है, जो समझ पाता वो लगा लेता है। कोरोना का टीका 10 करोड़ लोगों को लग चुका है। अगर इससे लोगों को नुकसान होता तो ना जाने कितने लोगों की जान अभी तक चली जाती। लेकिन अभी तक इक्का दुक्का लोगों को हल्की फुल्की शिकायत आई है, इसीलिए बिना डरे लोगों को कोरोना का टीका लेना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट।